नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दिल्ली, इटली में G7 समिट में की शुरुआत। मेलोनी, मैक्रो, सुनाक और जेलेंस्की सहित कई वर्ल्ड लीडर्स से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा संपन्न। पीएम ने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में लिया भाग। विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने G7 के आउटरीच सत्र के दौरान भारत के चुनाव का किया जिक्र। पीएम मोदी ने ऐतिहासिक जीत को बताया लोकतंत्र की जीत। पीएम मोदी ने इटली प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। पीएम ने कहा, विश्व नेताओं के साथ बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए इटली की जनता और सरकार का आभार व्यक्त किया। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। पेयजल की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री बसवराज बोम्मई ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। कर्नाटक के शिगांव विधानसभा सीट से विधायक थे बोम्मई। हावेरी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद चुने गए हैं बसवराज बोम्मई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिगड़ी तबीयत। पटना के मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाथ में तेज दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती। ऑर्थोपेडिक्स विभाग में चल रहा नीतीश कुमार का इलाज। फिर से विवादों में घिरे टीएमसी सांसद यूसुफ पठान। वडोदरा नगर निगम ने यूसुफ पठान को जारी किया नोटिस। एक प्लॉट पर कथित रूप से अतिक्रमण करने को लेकर नोटिस किया जारी। पूर्व पार्षद विजय पवार ने लगाए थे आरोप। राम मंदिर पर बयानबाजी को लेकर बोले योग गुरु बाबा रामदेव। कहा, राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है। भगवान राम सभी के हैं, राष्ट्र सभी का है। आरएसएस प्रमुख मोहन राव भागवत से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में प्रशिक्षण शिविर में होगी मुलाकात। गोरखपुर में आरएसएस का चल रहा प्रशिक्षण सत्र। दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल की पत्नी को आदेश, सोशल मीडिया से हटाया। सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो में अरविंद केजरीवाल एक ट्रायल कोर्ट को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। 28 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में आबकारी नीति मामले से जुड़ी सुनवाई हुई थी। स्वाति मालीवाल से अभद्रता करने के मामले में आरोपी विभव कुमार की बड़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने 22 जून तक बड़ी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत। नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। 8 नक्सली ढेर, 1 जवान शहीद, 2 घायल और मुठभेड़ अभी भी जारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से हुए रूबरू। कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने का करेंगे काम। लक्ष्य पूर्ति के लिए मिलकर काम करेंगे। देश और दुनिया में भारत की कला को पहचान मिल रही है। देश की जनता सब जानती और पहचानती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए। कहा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यात्रा घाटों को सौंदर्यीकरण के लिए, पर्यावरण के लिए और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सुचारू संचालन के लिए निकाली जाती है। बसपा MLC मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मामले में ईडी का एक्शन। ईडी के कुर्क की 4,440 करोड़ की संपत्ति। दुबई फरार सहारनपुर के हाजी इकबाल ने खड़ा कर लिया था अरबों का साम्राज्य। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने की कार्रवाई। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा। अलकनंदा नदी में गिरा एक टेम्पो ड्राइवर। 8 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के अमरेली में दर्दनाक हादसा। बोरवेल में गिरी बच्ची, हार गई जिंदगी से जंग। 17 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, नहीं बचाई जा सकी बच्ची की जान। दिल्ली के जल मंत्री आदिशी ने पानी की कमी के मुद्दे पर दिल्ली जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें लगातार कमी चल रही है। वरीजाबाद पौंड में पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुनक करनाल में भी पानी की कमी चल रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सीएम केजरीवाल की नई अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई टली। राउजमेनी कोर्ट में अगली सुनवाई 19 जून को होगी। गाजियाबाद के लोनी औद्योगिक क्षेत्र के स्थित केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सिरिल रामफोसा बने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। विरोधी जूलियस मालेमा को मिले केवल 44 वोट। तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे रामफोसा। दक्षिण अफ्रीका में 29 मई को हुआ था मतदान। तेलंगाना में वायुसेना अकादमी डंडीगल में संयुक्त स्नातक परेड पारंपरिक सैन्य वैभव के साथ की गई, जिसमें वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा की। संयुक्त स्नातक परेड के दौरान भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम रोमांचित करने वाले हवाई प्रदर्शन किया। टीम ने आसमानी गलाबाजी के साथ अपनी ताकत दिखाई।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने रचा इतिहास। सुपर 8 राउंड के लिए अमेरिका ने किया क्वालिफाई। कला फ्लोरिडा में बारिश के कारण आयरलैंड के खिलाफ रद्द हुआ था मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका ने हारी हुई बाजी जीती, नेपाल को एक रन से हराया। नेपाल को 116 का टारगेट मिला था। मैच हुई आखिरी गेंद पर गुलशन झा रन आउट। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अलवर दौरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूं, अलवर के हर गांव तक घूमा हूं, इस साल के पूरा होते होते सबको धन्यवाद देके जाऊंगा। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री बागराज चौधरी का प्रदेश दौरा, कई जगह हुआ जोरदार स्वागत। पुष्कर में ब्रह्मा जी और सुरसुरा में वीर तेजाजी महाराज के करेंगे दर्शन। मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा ने संकल्प पत्र में किया वादा निभाया। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को दी बड़ी सौगात, 30% से बढ़ाकर 50% किया महिला आरक्षण। भरतपुर में रफ्तार के कैश ट्रक और लोक परिवहन बस की टक्कर से 4 यात्रियों की मौत, 8 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। भीमराणा में रिश्तों का खून, पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या, चचेरे भाई पर भी किया जानलेवा हमला, आरोपी ने किया सरेंडर। राजसमंद के बालकृष्ण स्टेडियम में 7 दिवसीय नार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, जय माता क्रिकेट क्लब की ओर से किया गया टूर्नामेंट का आयोजन। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। करौली में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर पार्षद संजीव जैन ने रक्तदान की अनुकरणीय पहल की। पार्षद ने अपने भतीजे और भतीजे के साथ रक्तदान कर जागरूकता का संदेश दिया। अस्पताल ब्लड बैंक प्रबंधन ने रक्तदाताओं का आभार भी व्यक्त किया। अलवर के बानसुर में कुछ बदमाशों ने होटल पर तोड़फोड़ कर हवा में फायरिंग की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। जालौर की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 392.70 ग्राम अवैध अफीम बरामद किया और 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त किया गया। विजयनगर के मुख्य बाजार में भीषण गर्मी से बुलेट बाइक में लगी आग। अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाइक में लगी आग। पास की दुकान में रखे फायर सिलेंडर से आग पर पाया गया काबू। धौलपुर के निहालगंज थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों ने 18 मई को युवक की हत्या कर चंबल नदी में फेंका था। सलूंपुर में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को बनाया निशाना। चोर 5 ग्राम सोना सहित कई अन्य सामान लेकर फरार हो गए। चोर जाली को तोड़कर दुकान में घुसे। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बाड़मेर में नेशनल हाईवे 68 के किनारे व्यक्ति का शव मिला। सूचना पर ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है। अजमेर की नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान ट्रक से 9,179 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया और 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। झालावाड़ के जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। सभी कैदियों से संवाद कर सुविधाओं की जानकारी ली और भविष्य में कारागृह से बाहर निकलने पर अच्छा कार्य करने की सलाह दी। अजमेर के नसीराबाद सिटी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में आगामी त्योहारों पर पुलिस बंदोबस्त पर चर्चा की गई। एएसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डिडवाना के नावा स्थित सांभर झील से प्रशासन ने अवैध बोरवेल को लेकर कार्रवाई की। नायब तहसीलदार ने हाकड़ के रोड किनारे पर अवैध रूप से झील में से पानी चोरी करने वाले बोरवेलों को हटाया। इस दौरान 5 बोरवेल जब्त किए गए और 2 नष्ट किए गए। कुचामन में काउंसलिंग कार्यक्रम संवाद 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर ने 10वीं-12वीं के प्रतिभा भावन छात्र छात्राओं से संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में कलेक्टर ने विद्यार्थियों को दिया करियर गाइडेंस। जोधपुर के शेरगढ़ में महेश नवमी पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। माहेश्वरी समाज ने ठाकुर जी के मंदिर में भगवान महेश, पार्वती, राधा कृष्ण और हनुमान जी की विशेष झांकी सजाई और कस्बे में निकाली भव्य शोभा यात्रा। फलसूर में महेश नवमी पर माहेश्वरी समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भगवान महेश और देवी देवताओं से सजी झांकी आस्था का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया। मुंडवा शहर में महेश नवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा। माहेश्वरी समाज ने नगर से श्री चारभुजानाथ के मंदिर से भगवान महेश की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। शोभा यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। फलौदी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने ली बैठक। बैठक में तैयारियों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। योग दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम 21 जून को प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलौदी में आयोजित होगा। सुजानगढ़ में महेश नवमी माहेश्वरी समाज ने धूमधाम से मनाए। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा माहेश्वरी भवन से शुरू हुई। यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए समाज के लोग। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा से पूर्व शिव परिवार की गई पूजा।
चुमू के सामू थाना पुलिस ने की कार्रवाई। चोरी के मामले में दो चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों ने घर में से सोने चांदी की जेवरात चोरी करने की वारदात को दिया था अंजाम। सदलपुर के बेजुवा गांव में गहरा पेयजल संकट। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण जलदाय विभाग के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने बताया कि दो महीने से नहीं आ रहा गांव में पीने का पानी। धौलपुर के बनिया थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रक सहित एक कार को किया बरामद। चार खनन माफियाओं को किया गिरफ्तार। झुंझुनू के बाय गांव में चोरों ने सूर्य मकान को बनाया निशाना। मकान से लाखों की जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नवलगढ़ पुलिस। पुलिस ने घटनास्थल का किया मौका मुआयना। झुंझुनू में संपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह की प्रेरणा से हुआ कार्यालय में पार्क का निर्माण। एसपी ने किया पार्क का उद्घाटन। कहा, पर्यावरण के बगैर मानव जीवन की कल्पना काल्पनिक का। पर्यावरण सुरक्षित तो मानव जीवन भी रहेगा सुरक्षित। इस दौरान पार्क में एसपी ने पक्षियों के लिए गर्मी को देखते हुए परिंदे लगाए। छिंदवाड़ा में कलेक्टर ने पौधारोपण अभियान को लेकर अधिकारियों के लिए विशेष बैठक। जिले में बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा पौधारोपण अभियान। प्रत्येक पौधे को गोद लेकर की जाएगी सुरक्षा। गांव में 200 पौधे लगाकर हरित पट्टिका की जाएगी विकसित। धौलपुर की बाड़ी सदर पुलिस ने को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10,000 के फरार इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। ग्रामीणों के साथ पुलिस टीम पर पथराव कर दस्यु रामगोपाल को छुड़ाने के मामले में चल रहा था फरार। फलौदी में सभापति ने शहर में सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। रायका बाग रोड, चुंगी नाका, बस स्टैंड तथा इंदिरा रसोई पर साफ सफाई का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश प्रदान किए गए। चूरू के रतनगढ़ में टोल कर्मी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को संगम चौराहे से दबोचा। आरोपियों ने टोल कर्मी का अपहरण कर लिया था और मारपीट की थी। नागौर के खेमसर में महेश जयंती धूमधाम से मनाई गई। महेश्वरी भवन में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान महेश भगवान की शोभा यात्रा भी निकाली गई। छिंदवाड़ा में मिलेगी महिला पुलिस थाने की सौगात। 16 जून को जिला मुख्यालय पर शुरू होगा महिला पुलिस थाना। महिला थाना खुलने से मजबूत होगी महिला सुरक्षा। लाडनू में एसडीएम ने सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई, जिसमें ईद उल जुहा के मौके पर शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के सभी के सहयोग की कामना की। झालावाड़ की डग आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने कार्रवाई की। अफीम पट्टाधारियों का डोडा चूरा का तोल कर नष्ट किया गया। करीब 27 पत्तों के डोडा चूरा को नष्ट किया गया। बीकानेर के चोटियान गांव में ग्रामीण विधायक का निवास पहुंचे विधायक को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब के ठेके को बंद करवाने की मांग की गई, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को स्थायी समाधान के निर्देश दिए। खाटूश्याम जी के मंडा गांव में जोड़ी की जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए ग्रामीणों का 3 दिनों से धरना जारी है। सीकर के सांसद अबराराम भी ग्रामीणों का समर्थन करने घटनास्थल पहुंचे। सांसद ने कहा कि जोड़ी की जमीन ही रहेगी। छिंदवाड़ा में गुच्छामन पुलिस ने ऑपरेशन उमंग के तहत कार्रवाई कर एक परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौटाई है। जयपुर में मजदूरी करने वाले मोहम्मद शमशाद को की बेटियां लापता हो गई थी। गुच्छामन पुलिस को सूचना मिली थी कि दो मासूम बच्चियां ट्रेन में सवार है और अपने परिवार से बिछड़ी हुई लग रही है। पुलिस ने दोनों को दस्तियाब कर परिजनों को सौंपा। लालू में जीर्ण और दुसाध्य रोग के सहज और प्राकृतिक तरीके से उपचार की सुविधा यहाँ जैन विश्व भारती संस्थान विश्वविद्यालय के उपक्रम के रूप में स्थापित आचार्य महाप्रज्ञ नेचुरोपैथी केंद्र में उपलब्ध है। यहाँ बिना दवा के प्राकृतिक पद्धति से कायाकल्प और उपचार हेतु श्रेष्ठ उपक्रम है। धौलपुर की पुलिस ने सरमुत्रा उपकरण के मठ मलपुरा में हुए हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए घटना के बाद टीम गठित की और डांग क्षेत्र में आरोपियों की तलाश में सर्च अभियान चलाया गया। करीब 2 दर्जन से अधिक जगहों पर दबिश दी गई। तलाश के बाद मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अलवर दौरा। सर्किट हाउस में अधिकारियों के लिए बैठक। कहा, पानी की समस्या को लेकर 3 स्टेप में काम करेंगे। पानी की उपलब्धता का सही तरीके से वितरण हो, पानी के ठहराव, रिचार्ज और रियूज को लेकर काम होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर राजसमंद दौरे पर। सनातन वैदिक संस्कार शिविर में शिरकत की। शिक्षा मंत्री जिले के शिक्षकों और अभिभावकों को मानसून सीजन में 13 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी दिया। बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र में नाले में तैरता हुआ मिला युवक का शव। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला और मोर्चर में रखवाया। मृतक की पहचान नरपत के रूप में हुई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में महिला चोर गैंग सक्रिय है। दुकान में छुआकर महिलाएं कपड़े पार कर रही हैं। ग्रुप में लेने जाती हैं कपड़े। दुकानदार को बातों में उलझाकर महिला कपड़े कर देती है गायब। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। फतेहपुर के रामगढ़ में चाय की दुकान पर सिलेंडर फटने से थड़ी में लगी आग। हजारों का सामान जलकर हुआ खाक। नगरपालिका दमकल ने आग पर पाया काबू।
बूंदी के केशवराय पाटन ट्रेनिंग करने आए छात्र को करंट लगने का मामला, घटनाक्रम पर डिस्कॉम प्रशासन का एक्शन, जीएसएस पर कार्यरत एएनजेए निलंबित, 132 जीएसएस पर प्रशिक्षण के दौरान हुआ था हादसा। विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने पीएम मोदी का जताया आभार, जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन मंत्री बनाने पर जताई खुशी, कहा परमाणु नगरी को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करेंगे, केंद्रीय मंत्री शेखावत से विशेष पैकेज की मांगी जाएगी। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में घर के बाहर खड़ी कार और टेम्पो से चोर ने बैटरी, तेल और अन्य सामान चुरा लिया, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द चोर गिरोह पकड़ने की मांग की। बीकानेर में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा ने ली चिकित्सा विभाग की बैठक, बैठक में डॉक्टर्स ने लिया 1-to-1 फीडबैक, पीबीएम हॉस्पिटल की कमियों को लेकर जताई नाराजगी, सुधार के लिए चिकित्सकों को दिए निर्देश।